पीछे जब हो जाता है नाम बड़ा, इंस्टा पे नाम आई फील किंग, मुझे सुनने वाला हर बंदा करे फील किंग। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी, और आपके जीडी कौन सा कोर्स तुम्हें करना चाहिए, क्या उस पर ठीक है नहीं है, प्लेसमेंट कैसे है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में है, एंड तक देखते रहना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, एंड सारे भाई ठीक होंगे, मैं भी एकदम मौज में। तो आज के लिए आपको एक बात बतानी थी, देख रहे हो ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने जो कि उस पार्ट के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग बना रखे हैं, फिर भी भाई मेरे पास मैसेज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर, वैसे कमेंट में बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट कर रखे हैं। और एक दिक्कत और हो गई थी, मैंने एक दिन ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने एक लड़के का नंबर ले लिया, उसमें वो बात कर रहा था, उसका नंबर आ गया था। भाई तुमने कल रात यार उसके पास दो कॉल गई हैं 2 बजे, और तीन तीन चार चार बार कॉल करी यार, तुम्हें रात में ही बताओ। कहने भाई तो ऐसे ही रात में ही उन्हें पता चला है कि हमें ये चीज़ करनी है। मैं अपना आप कलाकार समझेगा, तुम बहुत बड़े कलाकार निकले। उसके आज सुबह सुबह उसकी कॉल आ रखी, भाई तेने तेरा नाम ले रहे थे, उसके चैनल पैसा देगा। तो इस वजह से वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ रही है, और मैंने सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कर रखे हैं, फिर भी मतलब कि जो कुछ रह रहे हैं, दो चार भाई के कमेंट आए थे मेरे पास जो नए डाउट थे, तो वो इस वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, कोई सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और यार ये चीज़ ना करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग चैनल है, मैं एजुकेशन पे ऊपर चीज़ अपलोड नहीं करता इस पर, क्योंकि एजुकेशन में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ तुम्हें बताता रहूँगा, वो एजुकेशन चैनल अलग होते हैं, ये ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉग कैटेगरी चेंज हो जाती है, तो दिक्कत ये होती है। बट इस वीडियो में आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे इंक्यूबेशन वाले स्टूडेंट्स की, इंक्यूबेशन वाले बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे पास। एक भाई तो मैसेज कर कह रहा हूँ भाई मेरे पास उसके नोट्स भेज दो। अरे भाई नोट्स हम कहाँ से भेज देते हो, हमें खुद ना दे कोई नोट्स, हमें खुद बनाने पड़े हैं, तो ऐसा कोई सीन ना, तुम नोट्स मांग रहे हो बताओ। तो देखो भाई, पहले इंक्यूबेशन वाले स्टूडेंट्स के, इंक्यूबेशन वालों में क्या होता है, पहले तुम एक लिंक दे देंगे, तुम जो जो नाम देने हैं अपने, जो स्टूडेंट्स अपने नाम देंगे उसके इंक्यूबेशन के लिए, तो उसमें आपको अपने नाम देने के बाद तुम्हारे पास एक लिंक आएगा, कॉलेज वाले लिंक भेजेंगे, उसको पेपर देना होगा। जो भाई पेपर में क्लियर, जो भी पेपर में क्लियर हो जाओगे, तो आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि तुम्हारा वो कब है जीडी ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन होगा, कोई भी तुम्हें दे देंगे, एक टॉपिक दे दिया ग्रुप डिस्कशन में, जैसे कि लेबर के ऊपर दे दिया। तो जो भाई पहले जो भी गाइज में तुम्हें से कोई भी स्टार्ट करेगा ना, पहले स्टार्ट जिसने करा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, जैसे कि मैंने अपने ग्रुप में स्टार्ट करा था, मेरे को एक्स्ट्रा नंबर मिले। बट जो एंड में कंक्लूजन देगा ना, उसको भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, मैंने मतलब जैसे सांस लेते हैं ना इस ऐसे करा, बस सांस रोका ही था, एक लड़का बोल गया दिस इज माई कंक्लूजन एंड दैट 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 दैट, तो ऐसा भी नहीं करना है, उसका नाम कट गया था। कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें बोलना है कब नहीं बोलना, और बिल्कुल मेरिट और डीमेरिट दोनों बतानी है, ऐसा नहीं है मेरिट मेरिट बता दो, उसके फायदे फायदे बता जाओ और फिर उसके खराब, ऐसा कोई सीन नहीं है, दोनों चीज़ें बतानी है, तुम्हें दोनों पक्ष में रहना है, दोनों साइड रहना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वो जीडी क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हारे 5 दिन के लिए बोलते हैं कि 5 दिन में तुम्हारी मेल आएगी, तो 3-4 दिन में मेल आ जाती है तुम्हारी, 3 दिन में मेल आ जाएगी कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए, प्लेसमेंट हो चुके हैं इनकी, इनका ये कोर्स है और ये हो जाएगा। भाई दूसरा पॉइंट, एक भाई बोल रहे थे कि बेस्ट कौन सा रहेगा तुम्हारे पास, फुल स्टैक बेस्ट है या तुम्हारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेस्ट है। भाई देखो, अगर एक होता है एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स और एक होता है जो तुम्हारे फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर में तुम्हारे वो आ जाते हैं जिन्होंने, जैसे कि अब हम 2023 चल रही है ना, तुम्हारे 20, 21, 22, 23 तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई है, 20, 21, 22, ठीक है भाई, जिस बच्चों ने यहाँ तक पास किया हुआ ना, इन पास आउट ईयर में है, तो वो आते हैं फ्रेशर्स में। ऊपर के जो भी हैं 19, 18, 17, 15, 14, तो वो आते हैं आपके एक्सपीरियंस में, चाहे आपने कुछ नहीं करा हो, घर बैठे हो, तुम एक्सपीरियंस में हो, तो तुम्हारे लिए है, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है तुम्हारे वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और हमारे लिए जो भी एक्सपीरियंस वाले वो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ जावा फुल स्टैक, ठीक है। यहाँ पे दो ही कोर्स हैं आपके लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपर जावा फुल स्टैक मतलब, ठीक है, जो जावा डेवलपमेंट में जो आप जाओगे उसको आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे वो करने के लिए, आप वैसे जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रोजेक्ट करवाएंगे वो, और वो आपको कैसा भी कोई भी प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, उसको हमें कोई मतलब नहीं है, ना मैंने वो सीखा ना हमको भी कोई सिखाया, ठीक है। अब सेकेंड पे आ जाते हैं भाई, जो तुम्हारे तुम पैसे दे के बात करोगे, जो पैसे दे के तुम्हें फीस, अभी 35, 38, 42 ऐसी फीस चलती रहती है, ऊपर नीचे होती है कि पता नहीं क्या सीन है इनका, ठीक है।
तो तुम्हें अगर लगता है वर्थ लगता है तुम्हें कि भाई देने चाहिए तो दो, वरना कोई बात नहीं भाई। मेरे पास मैसेज करके कहते हो भाई 35,000 दे दे, मैं तो ठीक रहेगा ना भाई। देखो मैं खुद नहीं कह रहा कि ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मेरा कोई ना मेरे को पैसे मिले उनसे ना मेरे कोई वो दिक्कत है, मेरा इंक्यूबेशन से था, मेरे पैसे नहीं लग रहे, मैं जा रहा हूँ ठीक भाई। अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो शायद मैं ना जाता, मैं कहीं और बढ़िया तरीके से, मतलब कि आपको अगर कोचिंग लेनी है तो भाई कहीं से ले लो, 10-20 हज़ार में बढ़िया मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या सिस्टम है इनका, सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है गुड़गांव में, दिक्कत बता रहा हूँ और कहीं नहीं होगी ये आपको। यहाँ पे बस जावा सिखाएंगे और तुम्हारी एसक्यूएल सिखाएंगे, और तुम्हें अगर सॉफ्टवेयर डेवलप उसमें टेस्टिंग में जाना है तो तुम्हारे वही टेस्टिंग टूस्टिंग का सिस्टम सिखा देंगे, बस एक ही होता है, उसके बाद तुम्हारी ऑनलाइन चलेगी सारे सिस्टम ठीक है। तो ये हो गया पैसे वाले, जो भी तुम पैसे दे के जा रहे हो तो तुमको भी यही चीज़ सिखाएंगे तीन चीज़, उसके बाद तुम्हारी भी ऑनलाइन चलेगी। और भाई तुम्हारे मॉक टेस्ट होते रहते हैं, टाइम टाइम पर मॉक टेस्ट होंगे, सरप्राइज मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रेजेंटेशन तुम्हें डेली देनी है तुम्हारा, मतलब कि बढ़िया चीज़ चला देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश में बोलना है, ऑल इंग्लिश सिस्टम हैंग। तो ठीक है, अभी एक भाई के कमेंट आ रहा था कि भाई मेरा इंक्यूबेशन में हो गया है और क्या सीन होएगा, हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब कि उसका टाइम ज़्यादा हो गया 15-16 दिन। तो भाई अगर आपके पास नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं अपनी GDM में गलती करी होगी, तो उसकी वजह से आपका नहीं आया ठीक है। एक भाई का मैसेज आ रहा था कि 2014 मैं पास आउट हूँ, अब बताओ मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना, उसमें जावा फुल स्टैक में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ही बात है, जावा फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक बात है हमें। तो ठीक है, तो वो बोल रहा है भाई मैं इसमें जाना चाहता हूँ, इसमें भाई तू नहीं जा सकता, आप लोग नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता भाई जिसने 2014 में कर रखा है ना, कोई नहीं जा सकता। तुम टेस्टिंग में जाओ, उसके बाद 2-4 साल जॉब करो, उसके बाद तुम जा सकते हो फुल स्टैक में ठीक है, कहीं पे भी आप कर लो, ये आपको ये जरूरत नहीं है क्यू स्पाइडर में करो। क्यू स्पाइडर भाई मैंने पहले बताया क्यू स्पाइडर में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग, आप वहाँ से हाँ हो गए, कोई बढ़िया से इंस्टीट्यूट से करो जो प्लेसमेंट करा दे। क्यों स्पाइडर में क्या होता है, तुम पहले मॉक टेस्ट क्लियर करो, 3 आउट ऑफ 3 स्टार लिखा हो जो तुम्हारी प्लेसमेंट होगी ठीक है, प्लेसमेंट में बैठेंगे, उसमें तुम्हारी गारंटी नहीं है, तुम अपने दम पे करोगे प्लेसमेंट, वोट का कोई रोल नहीं होता प्लेसमेंट में ठीक है। उसके बाद तुम ये पूछ रहे थे कि भाई कौन सा बेस्ट है, कहाँ का बेस्ट रहेगा। देखो गुड़गांव के पास जो भाई हैं नज़दीक हैं या भी कोई भी, तो तुम जा सकते हो नोएडा जाओ, गुड़गांव में फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है इनकी कोचिंग काचिंग की, जो भी तुम लैंग्वेजेस की ठीक है, वहाँ पे तुमको सारी लैंग्वेज शायद वहीं पे सिखाएंगे, तुमको यहाँ पे ऑनलाइन ही सीखनी पड़ेगी ठीक है। अभी हमारा क्या सीन चल रहा है, हमें 1 महीना हो गया छुट्टी कर रखी है, हमारी टीचर चला गया, तो बीच में जो गैप हो गया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है ना गैप में, तुम भी समझते हो इस बात को। तो अपना बेस्ट देखो, अगर तुम्हें पैसे दे के करना है तो भाई अपने आस पास कोई भी बढ़िया इंस्टीट्यूट देखो करो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। गुड़गांव फरीदाबाद में है एक YMCA कॉलेज के पास है, उसमें जाकर देख लो, मेरे को आइडिया नहीं है उसका, बट वहाँ पे है, वो सारी चीज़ दिखाते हैं, 20,000 रुपये ले रहे हैं, वो कार्ड पीट के तुम्हारे 18 या 17 पे आ जाएंगे, तो वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया है ठीक है। मेरे कुछ जानकार दोस्त कर रहे हैं वहाँ से, पैसे देकर वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 35-40 हज़ार रुपये देख करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, नोट्स वो खुद करवाते हैं भाई, तुम हमारे पास मैसेज करके मत किया करो, नोट्स भेज दो भाई, सिस्टम कुछ तो करवाओ, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ ना है, हमारे खुद हम बनाते हैं अपने उस पर, और तुम्हारे कोडिंग कार्डिंग का सीन वही है, तो ऐसे मैसेज मत करे करो भाई कि तुम हमें कर लें या नहीं कर लें, वो भाई तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ ठीक है। मैसेज कर करके तुम ये बोलते हो कि भाई हमें नोट्स चाहिए और ये ठीक रहेगा नहीं, प्लेसमेंट करवा देंगे या नहीं करवाएंगे, मैंने बता दिया भाई प्लेसमेंट हो जाएगी, भाई ये बताओ पक्की होगी या नहीं होगी। अरे भाई पक्की ओके तो हमें कुछ ना पता, तो भी ना पता, अपने सिस्टम पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब तुम मेहनत करोगे तो प्लेसमेंट होएगी, ना करोगे तो ना होएगी, वो तुम भी जानते हो इस बात को, तुम्हारे हाथ में देंगे नहीं भाई, ले प्लेसमेंट ले जा, यहाँ पे तेरी लगी 3-4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। और हाँ भाई प्लेसमेंट तुम सोच रहे हो ना, एक का मैसेज आया भाई 8 लाख तक का पैकेज लग जाएगा मेरा, अरे 8 लाख का पैकेज ना भाई, 3 लास्ट एवरेज है 3, उसके बाद हाईएस्ट पैकेज जाएगा तुम्हारा 5, जो तुमने बाहर से लिया है, अगर तुम उससे कैश पैड से लेते हो 3-4 बस, नहीं तो 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 पूरा भरा हुआ है। तुमने वीडियो देखी होगी, आई बटन डाल दूंगा, और जो एंड में जो तुम वीडियो देखोगे ना वहाँ पे आ जाएंगे कार्ड्स में आ जाएंगे, उसमें देख लेना सारी कैश पैड की रहेंगी, उसमें मैंने एक सीरीज डाल रखी है, उसमें प्लेसमेंट ही प्लेसमेंट है, आप देख सकते हो सारी प्लेसमेंट्स को ठीक है। और ऐसी कोई बात ना लगे जो मैं इसमें वीडियो में रह रही है वो बताने के लिए,
और वो तुम्हारे फैकल्टीज एक नंबर की हैं, फैकल्टीज में कोई दिक्कत नहीं है, रूम एक नंबर के मिलेंगे, एसी वेसी सेट सारा, मतलब कि फैसिलिटीज तुम्हें सारी मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी चीज़ की, कि फैसिलिटीज कम मिले, बस पैसा ठोक के लगा रखो उन्होंने, वह चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तुम्हें बाहर भी एसी मिल जाएगा क्या लाइन में, जहाँ तुम एसी की जरूरत ना रहे वहाँ भी एसी लगा मिलेगा तुम्हें। और क्या बचा हुआ है भाई, और तुम्हें टाइम टाइम पर तुम्हारी प्लेसमेंट आ रही है नहीं आ रही, वो तुम्हें उसके इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, अपने नंबर सेव करवा लेना मैडम से, तुम्हें व्हाट्सअप उस पर दिख जाएगा, ठीक है। और तो भाई ऐसा कुछ बचानी है जो मेरे को बताने वाला हो, बस यही था। इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की बस कोई ज़रूरत है नहीं, अगर तुम्हें फ्री भी लगता है तो देख सकते हो, तुम्हें मेरे को नहीं लगता भाई कोई ज़रूरत होगी। तुम्हें अगर बताना है तो जैसे फुल स्टैक में तुम्हें सीखना होगा और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखनी होगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अलग कोर्स आ जाते हैं, और फुल स्टैक में तुम्हारे जावा जावा स्क्रिप्ट HTML CSS कोई भी बूटस्ट्रैप व्हाट्सएप ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ सीखनी पड़ेंगी। उसमें अभी थोड़ा जावा है बट कुछ चीज़ें चेंज है उसमें, उसका मेरे को पता नहीं है क्योंकि मेरे को वो करना नहीं है। तो ठीक है, इस व्लॉग को भाई वीडियो व्लॉग तो क्या बना, भी वीडियो ही बन गई, तो इसको करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है, और वॉच टाइम की भी। अपने भाई को सपोर्ट करना, जैसे मैं तुम्हारे सपोर्ट करता हूँ तो मैं हर चीज़ बताता हूँ, जैसे तुम मैसेज करते हो मेरे पास, भाई कोई नहीं बताता होगा तो मैं मैसेज करके, तो मैसेज करते हो रिप्लाई साथ के साथ, तो सीन यार ये पता है मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं इस पर ऐसी चीज़ अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फिर कैटेगरीज जो है ना वो चेंज हो जाएगी, रीच नहीं आएगी, क्या फ़ायदा। तो ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझ में आते हो, तुम देख लेना अभी वीडियो में जाकर कि स्पाइडर के नाम से जितनी भी है ना, तुम्हें थोड़ी 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 5-5 मिनट की, तो उसमें भी नॉलेज मिल रही है। तो मैं क्लास में दिखा रखी है, मैंने हमारी क्लास चल रही है उसमें क्या सीन है क्या नहीं है, और वहाँ के एक तो उसके क्या स्पाइडर के जो काउंटर पर बैठता है ना, जो अटेंडेंस अटेंडेंस लगाता है, कौन बच्चे कहाँ पे आ रहे हैं, कितने बच्चों किस में एडमिशन हुआ है, उसकी भी मैंने उसको भी ले रखा है वीडियो में, उससे सारी चीज़ क्लियर कर रखे हैं, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, तो वो जाके देख सकते हो। नीचे आपको सारी क्यू स्पाइडर की वीडियो का उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पर देख लेना। मेरी तरफ से बेस्ट जो मैंने आपको नॉलेज दिया वो है, अगर कुछ भी फिर भी लगता है तो भाई एक बार कमेंट कर देना, फिर भी थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट ये मैसेज वैसेज कमेंट तुम किसी और के पास मैसेज कर रहे हो तो भाई वो चीज़ गलती है, सुबह सुबह मेरे को पता चली कि ऐसा सीन है, तो इसी वजह से बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय सर, बाय, सेफ रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को शेयर कर देना।